ऊपर सिटी चौक पुलिस स्टेशन के ऊपर पहुँचूँ, यहाँ से मोर्चा लेके कमिश्नर ऑफिस के ऊपर जाए। जितने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है उनसे बात नहीं करना है तो नहीं बात करेंगे। जितने कार्यकर्ता है सबको यहाँ पे बुलाओ सिटी चौक के ऊपर। सर सब यहीं पर पहले धरना देंगे, अरेस्ट करेंगे, जो एक बार देखो बाद में मैंने आदेश दिया है बोलना कि जितने बच्चे हैं अपने पूरे यहाँ पे सिटी चौक पुलिस स्टेशन में जमा होगा। इस दंगे के दौरान जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस है, साफ तरीके का एविडेंस है, चलाते हुए शिवसेना के लीडर संजार की तस्वीरें हैं, वीडियो है, अगर एविडेंस होने के बावजूद भी अगर आज 10 दिन पहले उसकी जमानत हो जाती है तो उसकी जमानत हो सकती है, तो क्या फिरोज खान के लिए कानून अलग है? लेकिन पुलिस वालों को लगा ये कौन है, किन्नरों को भी अंदर डाल दो, बेफुसलों को भी अंदर डाल दो, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला तो है नहीं था पहले, लेकिन अब आपको यकीन दिलाते हैं कोई भी नौजवान हो अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो उस नाइंसाफी के लिए हम दिनों रात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ मैं अपनी माँ और बहनों को यकीन दिलाता हूँ कि हम खड़े रहेंगे। आपको अभी जो बच्चों के ऊपर केसेस रजिस्टर थे जिन्हें पिछले 40 दिनों से जेल के अंदर थे उन्हें जमानत हो गई, जब बच्चे छूट जाना चाहिए था तो सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर इनके लिए एक अलग केस बनाया गया ताकि वो बच्चे जेल से छूटेंगे तो दूसरे केस में इनके अरेस्ट करके दोबारा इन्हें अंदर डाला जाएगा। ये नाइंसाफी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस शहर को नहीं करेंगे आजाद घूम रहे और आप फल फूल बेचने वाले गरीब बच्चों को जिनकी माए और बहने पिछले 40 दिनों से पूरा रमजान का महीना अपने लाडों के बगैर रमजान का महीना गुजारी है, आज उनके घर में खुशियां थी कि ये बच्चे बाहर निकल कर आएंगे। हॉलीवुड हॉलीवुड